हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि इतनी बड़ी बात YouTube पे आ गई और अभी तक आपका रिएक्शन वीडियो नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं रिएक्शन थोड़ा सा लेट लेके आई, बिकॉज़ मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग वो सारी बात कवर करने वाले हैं जितने सारे कमेंट्स आप सबने मुझे किए हैं। तो सबसे पहले छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो जी हाँ, आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है अनीता जी की तरफ से। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि ये बात, ये कहानी बताने में थोड़ा सा वक्त लग गया? थोड़ा नहीं, इनफैक्ट 10 से 15 दिन का वक्त लग गया। कुछ लोगों का कहना ये है कि क्या 10 से 15 दिन में स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी? क्योंकि जो बातें आज बताई गई हैं वो बातें 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भी बताई जा सकती थी। उन बातों को बताने के लिए इतना ज़्यादा वक्त लेने की क्या ज़रूरत थी? उसके अलावा आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि कुछ लोगों की ये बड़ा क्यूरोसिटी थी जानने की कि आखिर में ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। क्योंकि जो वीडियो रवीना और ललित की तरफ से आया था उस वीडियो में तो कुछ खास बताया नहीं गया था, जस्ट एक अनाउंसमेंट की गई थी अपने रिश्ते को लेके, अपनी मैरिज को लेके, प्लस अपनी फैमिली को लेके, जहाँ पे एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन पॉजिटिविटी के साथ। ना तो किसी को टारगेट था, ना ही किसी को नीचा दिखाया गया था। लेकिन कल की वीडियो के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पासा पूरा पलट गया। जहाँ पे अभी पिछले दिनों सिंपथी मिल रही थी रवीना को और हेट एंड नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था किसको, अनीता जी को, वहाँ पे अब लोगों को थोड़ा सा ब्रेन वॉश हुआ है और थोड़ा सा पब्लिक जो है अनीता जी के साथ कनेक्ट होना शुरू हुई है। तो सबसे पहले बताते हैं कि स्टोरी यानी कि लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई अकॉर्डिंग टू अनीता जी। जो उन्होंने अपनी कल की वीडियो में बताया कि रवीना एंड रवीना की फैमिली अनीता जी के सब्सक्राइबर हुआ करते थे और अनीता जी की रेसिपी वीडियोस उन्हें बहुत पसंद आती थी। आज आपने देखा होगा कि कुछ कमेंट्स उनकी रेसिपी को लेके भी आते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है कि बहू जो है वो तुलसी माला धारण करती है और सास जो है वो केकड़ा रेसिपी दिखाती है। आप सबको बताइए कि अनीता जी की और कोई रेसिपी इतना बवाल क्रिएट करा हो चाहे ना किया हो, लेकिन उनकी केकड़ा रेसिपी ने बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करा था। और उनकी बहू का यानी कि रवीना का तुलसी माला धारण करना, कान्हा जी की भक्त होना, प्लस वेजिटेरियन होना और उसके बाद रेसिपी वीडियोस लाइक करना अनीता जी का, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ना ऐसा लगा जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं कि एक तरफ वो बंदी जो है वो वेजिटेरियन है और अनीता जी की रेसिपीज़ में बहुत बार आप लोगों ने नॉन वेज डिशेस देखी हैं, तो वो अनीता जी की फ़ैन भी थी और अनीता जी की रेसिपी वीडियोज़ पसंद भी करती थी। क्योंकि अगर कोई वेजिटेरियन बंदा है और कृष्ण भक्त है तो वो व्लॉगिंग ज़रूर देख सकता है, वो व्लॉग का फ़ैन हो सकता है, लेकिन वो बंदा रेसिपी का फ़ैन जिसमें मैक्सिमम रेसिपीज़ नॉनवेज की हों, तो थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। ये मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो अनीता जी ने जो इंट्रोडक्शन बताया वहाँ से बातचीत की शुरुआत हुई कि बहुत टाइम से ये अनीता जी से बात करना चाहते थे एंड फाइनली एक दिन ललित ने बात करवा दी। ललित का इनसे टच था क्योंकि ललित के माध्यम से ही अनीता जी से बात हुई थी रवीना की। अब ये दोनों आपस में बातचीत करते थे तो हो सकता है क्लोजनेस बढ़ गई हो, अटैचमेंट हो गया हो, एक दूसरे के अंदर कंपैटिबिलिटी देख ली हो। अब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सब्सक्राइबर है तो वो कभी भी किसी व्लॉगर का फ्रेंड नहीं बन सकता या लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जब एक टीवी सेलिब्रिटी और एक क्रिकेटर की शादी हो सकती है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग, जब एक फ़ैन और एक सेलिब्रिटी की शादी हो सकती है तो सब कुछ पॉसिबल है। बॉस बोलते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी सब्सक्राइबर ने किसी व्लॉगर से बात कर ली तो उस सब्सक्राइबर की मंशा व्लॉगर जो है उससे नेम हासिल करना, फेम हासिल करना, पैसे हासिल करना। पैसों के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, पर तब जब आप लोग अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलो। वरना कुछ लोगों की सुइयाँ सिर्फ इसी चीज़ पर टिकी हुई है कि हाय रवीना ने पैसे देख लिए, नेम फेम वाली फैमिली देख ली। क्या आप लोगों ने जाके कभी ललित का बैंक बैलेंस देखा है कि ललित के बैंक बैलेंस में कितना पैसा है? क्योंकि शादी तो ललित से करी है ना, ललित की मम्मी पापा या फैमिली के किसी और सदस्य तो नहीं करी। और अगर शादी के खिलाफ घर वाले होंगे तो फूटी कौड़ी भी ललित को नहीं देंगे। तो जो ललित का बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से, उस फाइनेंशियल स्टेटस से शादी करी है रवीना ने, ठीक है? तो ये बात हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद
उसके बाद कोर्ट मैरिज, ये भी सवाल बहुत लोगों का था कि वाई कोर्ट मैरिज, जब अनीता जी इतने खुले विचारों वाली महिला हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि मुझे बच्चों की शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है, चाहे किसी को भी लेके आएं, वो किसी इंटरकास्ट मैरिज में भी इतना बिलीव नहीं करती हैं, उनके हिसाब से बच्चे जिसमें खुश हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, चाहे किसी को भगा के भी ले आओ। आज भले ही वो बोल रही कि मैंने डेटिंग वाली बात जो है वो मजाक में करी थी, मैंने भगाने वाली बात जो है वो मजाक में करी थी, लेकिन बात तो करी थी, है ना। सो अब चाहे उन बातों को मजाक का हवाला दिया जाए या कुछ भी किया जाए, उसके बाद हुई कोर्ट मैरिज की बात कि आखिर बच्चों को कोर्ट मैरिज क्यों करनी पड़ी। अकॉर्डिंग टू अगेन अनीता जी, यस, बहुत सारे सवालों में से एक सवाल जो मेजर सवाल सबके बीच में आ रहा था वो ये कि कोर्ट मैरिज आखिर करनी क्यों पड़ी। तो अनीता जी ने अपनी वीडियो में ये भी सबको क्लियर कर दिया कि कोर्ट मैरिज के बारे में अनीता जी को खुद भी पता नहीं था। 2 महीने तक उनको ये नहीं पता था कि उनके बच्चे ने कोर्ट मैरिज कर ली। थोड़ा सा बात अटपटी है क्योंकि इनके बच्चे की शादी इनको नहीं पता था, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी आईडीज आके बात कर रही थी। दूसरी बात कि अगर लड़की के पेरेंट्स कन्विंस थे तो लड़के के पेरेंट्स कोर्ट मैरिज के लिए कन्विंस क्यों नहीं थे। अगर 2 साल बाद भी शादी करनी थी तो अफरा तफरी में 2 साल पहले लड़का लड़की ने शादी क्यों करी। उसके अलावा मेजर बात ये भी है कि अभी भी तो ये शादी के लिए इतना डेस्परेटली इंतज़ार कर रही हैं और अभी शायद 2 साल भी नहीं हुए हैं। अगर आज की डेट में 6 महीने बाद भी ये शादी के लिए तैयार हैं तो 6 महीने पहले भी ये शादी के लिए रेडी हो सकते थे, क्यों आखिर 1-2 साल का वक्त मांगा। चलो ये भी चीज़ें एक साइड कर देते हैं, और लड़का लड़की ने ज़बरदस्ती बिना बताए मम्मी पापा से शादी कर ली, तो अगर लड़का लड़की ने जो वीडियो डाली थी यानी कि ललित और रवीना ने, उन्होंने ये बात क्यों बोली कि हमारे पेरेंट्स का हमारी शादी में पूरा सपोर्ट है। 2 जगह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और दोनों जगह के स्टेटमेंट्स एक दूसरे के स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही हैं। जब पहली बार अनीता जी ने स्टेटमेंट दी थी तो भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बहू बेटे के खिलाफ ही दी थी, और अब जब दोबारा उन्होंने वीडियो बनाई है तो अगेन वो वीडियो कहीं ना कहीं बहू और बेटे के खिलाफ ही नजर आ रही है। क्योंकि जब बहू और बेटे ने वीडियो बनाई तो उन्होंने यही बताया था कि हमारे घर की रजामंदी से, हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट से, उनकी रजामंदी से हमने शादी करी है। तो अब या तो इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग होती तो वीडियो में अनीता जी भी सेम वही बात बोलती कि किसी भी सरकमस्टांसिस की वजह से हमने सोचा कि पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद सरप्राइज देंगे और फिर अरेंज तरीके से हम लोग शादी करवाएंगे। अब ये सोचिए कि अगर वो लड़की 6-8 महीने तक इंतज़ार कर रही थी इसी अरेंज मैरिज वाले हिस्से का, तो शायद वो साल भर भी वेट करती। उस लड़की ने किस मजबूरी में वीडियो बनाया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी मजबूरी में वीडियो बनाया कि उसके ऊपर बहुत तरीके की बातें होने लगी थी, उसकी शादी की खबर सोशल मीडिया पे लीक की गई थी। अब वो लीक किसने की, क्योंकि ये अगर शादी जो है वो सिर्फ लड़का लड़की को पता थी या सिर्फ लड़की के पेरेंट्स को पता थी और 2 महीने बाद ही अनीता जी की फैमिली को पता चली, तो फैमिली के अलावा ये शादी सोशल मीडिया पे कैसे आई। क्योंकि इस शादी की लीक होने की शुरुआत इन्हीं के कमेंट सेक्शन से होने लगी थी, उसके बाद उन कमेंट्स पे हार्ट देने की शुरुआत भी अनीता जी ने करी थी। तब तक रवीना ने कोई भी वीडियो, कोई भी शॉर्ट पोस्ट नहीं किया था। रवीना ने जब अपना शॉर्ट पोस्ट किया वो भी इस प्रेशर में किया क्योंकि रवीना की अपब्रिंगिंग के ऊपर बात आ रही थी, उसकी रिस्पेक्ट पे बात आ रही थी, उसके लिए बहुत तरीके की गंदी गंदी बातें बोली जा रही थी, इसीलिए उसने वीडियो बनाई थी। वो भी वीडियो उन्होंने कंप्लीट नहीं बनाई थी, जस्ट एक वीडियो के माध्यम से ये इंडिकेशन देने की कोशिश की थी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कोई गलत रिलेशनशिप नहीं है, हम लोग शादी के रिश्ते में बंध चुके हैं। उसके बाद जब अनीता जी ने वीडियो बनाई तो उस वीडियो में आप जानते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ झूठ था, और आज की वीडियो में भी इन्होंने कोशिश बहुत की है, आज नहीं आई थिंक कल, कि चीज़ों को हैंडल कर लें। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे चेहरे से और हमारी ज़ुबान से पता चल जाती हैं। कूल बनने की कोशिश तो बहुत की जा रही है कि मैं इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ रहा है। वो फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि जो इनडायरेक्टली चीज़ें जा रही हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, पहले तो दोनों की बातों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। सारे अलग अलग वीडियो क्यों बना रहे हैं? अगर परिवार एक है और शादी से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके सब साथ में बैठ के एक वीडियो बनाएं, साथ में बैठ के ऑडियंस को एक मैसेज दें।
लेकिन आज का वीडियो, सॉरी कल का जो वीडियो आया था उसके बाद नेगेटिव कमेंट्स फिर से रवीना के लिए स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे बोला गया है ललित को कि वो तो घर जमाई बन गया है, अपनी मम्मी के साथ चीट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रवीना ने फंसा दिया, सब्सक्राइबर बन के बहुत अच्छा हाथ मार लिया। फिर से वही नेगेटिविटी की बौछार शुरू हो गई है जो कि एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए थी। अगर समझदारी से बातचीत की जाती है, समझदारी से सोशल प्लेटफॉर्म पे बात रखी जाती, तो ना तो नेगेटिविटी अनीता जी को मिलती और ना ही अब जो नेगेटिविटी रवीना को मिलने लगी है ना ही उसको वो मिलती। बहुत अच्छे तरीके से अनीता जी ये बात बोल सकती थी कि बच्चों की खुशी थी तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली, हमने मतलब हमारे परिवार ने, और अब जब भी मौका मिलेगा हम लोग अरेंज तरीके से भी शादी करेंगे। दोनों की इज्जत बन जाती, ना इनको हेट मिलती ना उनको हेट मिलती। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ललित ने तो वेजिटेरियन फैमिली में शादी करी है तो उसके बाद नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। सबसे पहली बात कि कहते हैं ना कि भगवान और परमेश्वर को याद, वो कभी किसी को कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता। ये हमारी खुद की इनसाइट इंटरनल बिलीव्स होती हैं। उस लड़की की बिलीव्स हैं, वो अपनी बिलीव्स में है, लेकिन जब वो उस लड़के से मिली वो जानती थी कि ये लड़का एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता है और नॉनवेज खाता है। उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में आए ना, वरना एक लड़की ने अगर उसको वेजिटेरियन ही बनाना था तो वो अपने लिए लड़का ही वेजिटेरियन ढूंढती। जैसे आपने शादी के आर्टिकल्स में कई अक्सर देखे होंगे जहाँ पे वर वधू की खोज करते हैं तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज बता देते हैं, ये हमारी है, ये हमारी है, हमें ऐसा, इतने फिट, इतने रंग का, नॉन वेजिटेरियन फैमिली, वेजिटेरियन फैमिली, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं ना। तो वो लड़की को अगर वेजिटेरियन फैमिली ही चाहिए थी तो वो नॉन वेजिटेरियन फैमिली से शादी नहीं करती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनीता जी ओनली वो तो सब्सक्राइबर थी, तो क्या नहीं जानती थी कि रेसिपीज क्या क्या बनती हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी उनके बीच में जो है रिलेशनशिप हुआ, शादी हुई। अब अगर ललित वेजिटेरियन बनता भी है तो ये ललित की अपनी खुद की मर्जी होगी, खुद की मर्जी होगी। अगर उसे बनना होगा तो ये भी उसकी खुद की मर्जी होगी, नहीं बनना होगा तो ये भी उसकी खुद की मर्जी होगी। बहुत सारी लड़कियां ससुराल आने के बाद लड़के की फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट करती है, तो शायद उसके मायके में चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों में कोई लड़का किसी लड़की के थोड़ी सी चीज़ें ऑप्ट कर रहा है तो उस बात का बवाल नहीं मचाना चाहिए। और रही बात घर जमाई बनने की, तो ये किसने बोला कि वो घर जमाई है? क्या आप लोगों ने उनका घर देख लिया? क्या आप लोगों ने ये देख लिया कि ललित जिस घर पे है वहाँ पे उनकी सास, सास की पूरी फैमिली, या वो अपनी सास के घर पे रह रहा है? ये तो हम में से किसी ने भी नहीं देखा। हमने शॉर्ट में देखा है नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली है तो खुद के लिए ली होगी ना, सास ने तो वो गाड़ी नहीं ली। हमने शॉर्ट में देखा है कि घर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, तो वो अपने घर की तो जोड़ी जा रही होंगी, ससुराल में तो नहीं जोड़ी जा रही होंगी। तो जितने मुँह उतनी बातें, और अगेन फिर से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे अनीता जी ने अपने आप को क्लियर करके ये बात बता दी कि कोर्ट मैरिज के बारे में 2 महीने तक अनीता जी को नहीं पता था, बच्चों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली, घर की जो बहू है वो पहले इनकी सब्सक्राइबर हुआ करती थी, एज अ सब्सक्राइबर अनीता जी से बात करी थी, एज अ फैन बात करी थी, उसके बाद दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी होगी। अनीता जी चाहती थी कि 2 साल से पहले शादी ना हो, लेकिन बच्चों ने 2 साल तो छोड़ो, 2 महीने में ही शादी कर ली। ये अनीता जी के स्टेटमेंट्स आए। उसके बाद घर वालों से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ इनडायरेक्टली बातें बोली हैं, जहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि लड़की की फैमिली से बहुत बार बात करने की कोशिश की गई, बहुत बार, लेकिन वो लोग बात करते ही नहीं हैं। मतलब अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट कर दिया है लड़की की फैमिली को, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी हो चुकी है। अब अगर वहाँ से इनके जवाब में वो एक जवाब वाली वीडियो बनाती है तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये मैटर सॉर्ट होने वाला है? क्योंकि बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई थी इनके बेटे और बहू ने, और इस मामले को यहीं के यहीं दबाया और रफा दफा किया जा सकता था। 2-4 दिन बाद ही वीडियो बनानी थी, पहले तो वीडियो बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार, इतना लंबा चौड़ा गैप, जिसमें एक पूरी तैयारी की गई, उसके बाद जो बातें बोली गई वो बातें कनेक्टिंग नहीं लग रही हैं। दोनों के स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो माँ बाप की इज्जत और हेट कमेंट्स बचाने की, नेगेटिविटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मम्मी जाने अनजाने जो है वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं जो हेट और नेगेटिविटी फैला सकती है दोनों के लिए। अब मुझे नहीं पता अनीता जी किन चीज़ों से डील कर रही हैं, उन्हें वाकई में दर्द है, तकलीफ़ है, शादी से नाखुश हैं, क्या उनके रीजंस हैं, सॉलिड रीजंस,
क्योंकि फिलहाल वो बता रही है शादी से तो वो खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके बच्चे कहीं भी करें कैसे भी करें, उन्हें सिर्फ इस बात का ऑब्जेक्शन था कि शादी 2 साल बाद करनी थी। तो अब हो गई ना, अब जब हो गई तो फिर इस रायते को फैलाने की जगह इस रायते को समेटना चाहिए, इसी को समझदारी कहते हैं। कौन गलत है कौन सही, अगर इस मुद्दे को लेकर चलोगे तो फिर दोनों की साइड से एक एक क्लैरिफिकेशन वीडियो आएगी और ये मैटर कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म से ख़त्म नहीं होगा। सोशल प्लेटफॉर्म से मैटर ख़त्म करना है तो दोनों को म्यूचुअली वीडियो बनानी पड़ेगी, एक दूसरे की बात को समझते हुए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मुझे वीडियो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगी और डिसकनेक्ट लगी, मतलब टू द पॉइंट वीडियो नहीं लगी, और इतना टाइम जो इस वीडियो को बनाने में लग गया वो भी चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगी। आप भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।